आज हम फोर्थ सेशन स्टार्ट करेंगे। होप आपने लास्ट थ्री सेशन का थोड़ा सा बेनिफिट लिया हो। आज फोर्थ सेशन में हम वापस कुछ कैंडल्स कैरेक्टर कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स और उसके क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू कैन सी माय दिस स्क्रीन। ओके, सो फर्स्ट इज द इन्वर्टेड हैमर। द इन्वर्टेड हैमर कैन ओनली ऑफर आफ्टर सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड। इट मींस जैसा इसमें एज आई मेंशन दैट इन्वर्टेड हैमर कब ऑफर होगा, कब हमको आइडेंटिफाई करना है व्हेन सस्टेन द आफ्टर गुड अच्छा डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो गया स्टॉक के अंदर, ठीक है। और द स्टॉक इज ऑल प्रोबेबिलिटी दैट ओवरसोल्ड में पोजीशन में है। देयरफॉर द इन्वर्टेड हैमर सिग्निफिकेंट द ट्रेडर हु हैव होल्ड द लॉन्ग पोजीशन इन द सिक्योरिटी मोस्ट आर ऑफ नाउ शोइंग द जिनको मतलब जैसा एज आई मेंशन है कि जिनको जिन्होंने होल्ड कर रखा लॉन्ग पोजीशन वो अपना या तो लॉस में है या फिर जैसे कुछ जंप आता है तो वो अपने इसमें से बाहर निकलने के लिए सेल ऑफ करने के लिए रेडी है। द पैटर्न इज मेड अप कैंडल विद अ स्मॉल लोअर बॉडी एंड द लॉन्ग अपर विक। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सुनिएगा कि द पैटर्न इज मेड अप ऑन द कैंडल विद अ स्मॉल लोअर बॉडी। स्मॉल लोअर बॉडी से बनता है एंड लॉन्ग अपर विक, और अपर विक इसकी लॉन्ग रहती है विच इज एटलीस्ट द टू टाइम्स इज द लार्ज इन द शॉर्ट लोअर, जो कि टू टाइम्स रहना चाहिए। हैमर में आपने देखा था कि हैमर में भी सेम देखा था हमने, जो सेशन में देखा था कि टू टाइम्स रहना चाहिए। जो नीचे की नीचे की जो टेल रहती है उसमें इतनी जगह रहे अपने पास में कि जो हैमर के ऊपर कैंडल बनी सेम उतना ही पोर्शन नीचे बन जाए, एज इट इज सेम इज द इन्वर्टेड हैमर में, राइट। द बॉडी ऑफ द कैंडल शुड बी द लो एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज एंड देयर शुड बी लिटिल और नो लोअर विक। इसमें जो नीचे में बनी है बॉडी वहां पे लोअर विक या तो नहीं रहेगी या वेरी लिटिल रहेगी। दिस इज द एग्जांपल, आई विल शो यू द एग्जांपल। सी दिस इज द निफ्टी स्पॉट डेली चार्ट है। सी देयर इज अ सब्सटेंशियल डाउन ट्रेंड, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नाइन टेंस रहे का ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड रहा। देन यहाँ पे आप देखे कि एक इन्वर्टेड हेमर टाइप बना है। सॉरी, देर इज अ लॉन्ग अपर विक जैसा एज आई मेंशन, और यहाँ पे बहुत वेरी लिटिल स्मॉल लोअर विक आप देख सकते हैं, और सिंपल एज इट इज की आप जैसा मैंने आपको मेंशन करा कि बॉडी के कलर या कैंडल के कलर के ऊपर आपको नहीं जाना। इट इट कैन बी रेड और इट कैन बी अ ग्रीन, ओके। सो सी एंड आफ्टर दैट सी द अपसाइड इन द मार्केट। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा इसके लो का, जैसे इसने हाई को क्रॉस करा आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ एंड सी दिस द रैली, राइट। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडल स्टिक है विद अ लॉन्ग अपर शेडो, जो हमने देखा था जिसमें कि इन्वर्टेड हैमर हमने देखा बुलिश था, और शूटिंग स्टार इज नाउ सिमिलर इज द बियरिश कैंडल विथ लिटल और नो लोअर शेडो एंड द स्मॉल रियल बॉडी। शूटिंग स्टार ऑफर आफ्टर द एडवांस एंड इंडिकेट द प्राइस कुड स्टार्ट द फॉलिंग। इसमें जैसा मेंशन करा मैंने आपको स्टार्टिंग में कि शूटिंग स्टार ऑफर होता है जब काफी स्टॉक बढ़ चुका रहता है और प्राइस फिर वहां पे फॉल होना स्टार्ट हो जाता है जब भी शूटिंग स्टार बनता है। तो द फॉर्मेशन इज बेरिश बिकॉज द प्राइस ट्राई टू राइज सिग्निफिकेंटली बट द सेलर टुक ओवर द पुश द प्राइस ब्रेक डाउन टुवर्ड द ओपन। फॉर्मेशन जो बनता है बिकॉज ऑफ दैट की क्योंकि प्राइस जो रहती है अपसाइड में बढ़ने के लिए तो कोशिश करता है, कंटिन्यू जो अपसाइड ट्रेंड चलता रहता है उसको फॉलो करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे में क्या होता है कि जो सेलर रहते हैं वो चार्ज ले लेते हैं अपने हाथ में और दे स्टार्ट द सेलिंग, ओके। उसकी क्लोजिंग आती है ओपन के वहां पे। ट्रेडर टिपिकली वेट टू सी द व्हाट द नेक्स्ट कैंडल, इसका हर किसी कैंडल का, जैसे मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट डे कैंडल क्या बनती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेम इसमें भी कि शूटिंग स्टार के फॉलो अप कैंडल कौन सी बन रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इफ द प्राइस डिक्लाइन ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड ऑफ द डे दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द शॉर्ट सेल। दिस इज द एग्जाम्पल निफ्टी का, आप वीकली चार्ट देखें आपके पास में हो, शूटिंग स्टार वीकली में बना, ये अपसाइड में कंटिन्यू अपसाइड चला। यहाँ पे आप ये देखिए अपसाइड को फॉलो अप करा था बट एंड ऑफ द डे में क्या हुआ कि सेलर हैवी हो गए, यहाँ पे सेलिंग आई, क्लोजिंग नीचे आई एंड सी दिस हाई के नेक्स्ट डे में जो कैंडल रहा वो
हाई ओपन जहाँ पे हुआ पर उसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया राइट एंड सी द कंटिन्यूस सेल ऑफ दिस इज अ वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में आप देखिए कितना छोटा का स्टॉप लॉस लाया था आपको कितना बड़ा इसमें प्रॉफिट मिल सकता था। ओके नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट डार्क क्लाउड पैटर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू फाइंड आउट ऑन द चार्ट। ऑन द डार्क क्लाउड दिस इज अगेन द बियरिश सिग्नल। द स्टॉक क्लोज ऑन द डार्क क्लाउड कवर द स्टॉक क्लोज एटलीस्ट द हाफ वे इनटू द प्रीवियस व्हाइट। जो कैंडल रही थी प्रीवियस की जो ब्लैक सॉरी जो ग्रीन या आपकी व्हाइट रहेगी उसका हाफ वे पे उसको क्लोज हो जाएगा। द लार्जर द पेनिट्रेशन ऑफ द प्रीवियस कैंडल द मोर पावरफुल द सिग्नल। जैसा मैंने आपको बोला जितना ज्यादा उसका प्रीवियस कैंडल का जो रहेगा जितना ज्यादा लार्जर रहेगा उतना ज्यादा ये कन्फर्म रहेगा ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है द स्टॉक मस्ट हैव बीन डिफाइंड अप ट्रेंड बिफोर द सिग्नल ऑफर। ऐसा मेरे की काफी अच्छा अप ट्रेंड में रहना चाहिए जब भी डार्क क्लाउड बने उसके पहले स्टॉक को। द सेकेंड डे सिग्नल शुड बी द ब्लैक कैंडल ओपनिंग एडवांस अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस डे एंड क्लोजिंग मोर द हाफ वे इनटू द हाफ बॉडी उसकी कवर कर लेना चाहिए। आई विल शो यू द एग्जांपल मारुति का ये आप डेली चार्ट देखिए। दिस इज द मारुति डेली चार्ट डार्क क्लाउड कवर। यहाँ पे काफी अच्छी तेजी दी है एंड देन सी दिस हाफ बॉडी एग्जिट कवर करी ओपन हुआ हाई को क्रॉस नहीं कर पाया एंड सी दिस एग्जिट हाफ बॉडी पे क्लोज हुआ एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे इट इज स्टार्ट द फॉलिंग राइट। इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट और आप काफी अच्छा मिल सकता है मनी इंट्राडे चार्ट में 15 मिनट 30 डेट 60 मिनट में भी ये बनता है और आप इसके अकॉर्डिंग पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके नाउ दिस इज द पियर्सिंग पैटर्न। दिस इज दस वाइस वर्सा टू द डार्क क्लाउड। द पियर्सिंग पैटर्न ऑफन विल माइनर द डाउन ट्रेंड जब एंड होता है जैसे मैंने आपको एग्जाम बोला कि वाइस वर्सा है डार्क क्लाउड का पियर्सिंग पैटर्न कब बनेगा जब माइनर डाउन ट्रेंड का एंड होगा। द डे बिफोर द पियर्सिंग कैंडल द डेली कैंडल शुड आइडियली फेयरली लार्ज डार्क। इसमें सिंपल जब हमने डार्क क्लाउड में देखा कि ग्रीन बॉडी या व्हाइट बॉडी होना चाहिए इसमें सिंपल है कि इसमें रियल बॉडी जो होगी वो डार्क रहेगी रेड रहेगी या ब्लैक रहेगी और स्ट्रॉन्ग डाउन डे रहेगा वो जो बंद रहेगा वो डाउन डे रहेगा राइट। तो से की फीचर्स द स्टॉक मस्ट हैव बीन इन द डिफाइंड डाउन ट्रेंड बिफोर द सिग्नल ऑफर। दिस कैन बी विजुअली सीन ऑन द चार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड में रहेगा जो कि बहुत इजीली हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। द सेकेंड ऑफ द सिग्नल शुड बी व्हाइट कैंडल ओपनिंग बिलो द लो। The second day of the signal should be a white candle रहेगा opening below the low of the previous day and closing more than halfway. This is simple कि closing जो होगा वो previous day के low के आसपास होगा but जो closing रहेगी वो half body cover करेगी। This is example again मारुति में daily chart में आप देखिए यहाँ पे piercing बना right यहाँ पे काफी down trend रहा यहाँ पे नीचे open हुआ यहाँ पे half body cover करी and see right guys. So this is also easily you can find out. आप इसको वीकली इंटरडे चार्ट में लेके ट्रेड कर सकते हो 30 मिनट्स 40 मिनट 60 मिनट जो भी आपको मिले उसमें राइट। तो गाइस प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें या आप एटलीस्ट 2-3 स्टॉक्स आप इसको आइडेंटिफाई करके आप मुझे बताएं तो एटलीस्ट इट विल बी वेरी यूजफुल। तो जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो प्लीज आप इसका मेरे को बताएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी थ्री एटलीस्ट 2 या 3 स्टॉक्स आप ऐसे आइडेंटिफाई करें जिसमें डार्क क्लाउड पियर्सिंग पैटर्न इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार जो आज हमने जो भी डिस्कस करा काफी इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट। सो प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करें और आइडेंटिफाई करके बताएं। ओके थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच।